आज हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन। एम्पियर सर्किटल लॉ का एप्लीकेशन क्या होता है? देखो, एम्पियर सर्किटल लॉ का एक एप्लीकेशन है टॉरॉयड। टॉरॉयड में क्या होता है कि जैसे एक रिंग शेप का है, तो इसमें क्या किया जाता है, इंसुलेटेड वायर वुंड किया जाता है, इसे वुंड किया गया। ओके, अभी इसके लिए हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ पुट करेंगे। देखो, यहां पर अगर हम लोग यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट चूज करें, ऐसे ही एक एलिमेंट चूज करें, यहां पर एक ऐसा एलिमेंट, छोटा सा एलिमेंट चूज किया dl वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, उसी लाइन में है v वेक्टर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट इनटू आई होता है। लेकिन देखो, हम लोग यहां पर लेंगे लेट, ये जो ऐसे ऐसे घुमा है ना, ये कितना बार घुमा है, एन बार घुमा है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ओके, इंप्लाइज दैट बी डी एल एंगल बीच में है कितना, 0 डिग्री का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट, ये क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए कितना लिखेंगे, एन मल्टीप्लाई करेंगे, तो म्यू नॉट एन आई। अब ये कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना है, 1 है, तो इंप्लाइज दैट बी डी का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई इंप्लाइज दैट बी डी एल का लाइन इंटीग्रेशन इक्वल टू म्यू नॉट इनटू एन आई इंप्लाइज दैट बी इनटू लाइन इंटीग्रेशन, सपोज इसका रेडियस कितना है, आर है, तो इसका लाइन इंटीग्रेशन कितना हुआ, 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट एन आई इंप्लाइज दैट बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 पाई आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए टॉरॉयड। तो ए टॉरॉयड क्या होता है, एक हॉलो रिंग होता है जिसमें बहुत सारा इंसुलेटेड वायर वुंड किया जाता है। तो ए टॉरॉयड इज ए हॉलो रिंग इन व्हिच इंसुलेटेड वायर्स आर वुंड ऑन इट। अगर इसमें हम लोग आई करेंट फ्लो करते हैं, तो इसके चलते एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड को निकालने के लिए हम लोग एम्पियर्स सर्किटल लॉ यूज करते हैं। और एम्पियर्स सर्किटल लॉ का लास्ट बार में तुम लोगों को एप्लीकेशन पढ़ाया था कि एम्पियर सर्किटल लॉ इट इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, ये यूनिवर्सल लॉ नहीं है, और ये कभी कब अप्लाई होता है ना, इट इज अप्लाइड टू ए कॉन्स्टेंट करेंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें कॉन्स्टेंट करेंट फ्लो होता है उसी के लिए यही अप्लाइड होता है। तो एम्पियर्स सर्किटल लॉ इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। देखो, लिमिटेशन एम्पियर सर्किटल लॉ को लिमिटेशन बता देते हैं, बताए नहीं थे। एम्पियर सर्किटल लॉ का लिमिटेशन क्या है, इट इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, इट इज नॉट एन यूनिवर्सल लॉ, ये एक यूनिवर्सल लॉ नहीं है। दूसरा, इट इज ओनली एप्लीकेबल टू कॉन्स्टेंट करेंट, मतलब स्टेडी करेंट, जिसमें करेंट
कांस्टेंट होता है उसी के लिए ही अप्लाई होता है, इतना जान लो। एम्पियर सर्किट का लॉ हमेशा किसके लिए अप्लाई होता है, जिसमें कांस्टेंट करंट फ्लो होता है। जिसमें वेरिएबल करंट फ्लो होता है वहाँ पर कभी एम्पियर सर्किट का लॉ यूज होता नहीं है। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, देखो ये कभी कभी क्वेश्चंस आता है, फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। देखो क्या होता है, सपोज ये दो कंडक्टर है, यहां पर राइट साइड में फिगर कर रहा हूं, देखो ये दो कंडक्टर है, ये L1 कंडक्टर है, ये L2 कंडक्टर है, मतलब इसका लेंथ L1 है, इसका लेंथ L2 है, ओके okay? अभी देखो इसका एक इसमें आई वन करेंट फ्लो होता है, इसमें आई टू करेंट फ्लो हो रहा है, तो इस आई वन करेंट के चलते इसका सपोज मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, तो फोर्स कितना होगा, एफ वन होगा। इस आई टू के लिए मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है, इस तरफ है, फोर्स कितना होगा, एफ टू होगा। इन लोग के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी है। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड बाय एल टू कंडक्टर कितना होगा, देखो बी वन कितना होगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई कितना, टू आई वन बाय डी, ये हम लोग निकाले थे बाय सावर्स लॉ, मतलब म्यू नॉट आई वन बाय टू पाई डी, और इतना भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं। अगर फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एल टू, एल टू कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, देखो एफ वन फोर्स, और हम लोग क्या जानते हैं, आई एल वी साइन थीटा, हाँ या नहीं, आई एल वी साइन थीटा। अब देखो इन लोगों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो थीटा के बदले कितना डाल दोगे, 90 डाल दोगे, साइन 90। एल टू का मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी वन है, तो बी वन लिख दो, ओके। एल टू का लेंथ कितना है, एल टू है। अब ये एल टू में करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई में कितना फ्लो है, L2 में करंट कितना है, I2, तो ये आ गया I2 L2 B1। अब देखो ये B1 अगर F1 by L2 निकालोगे, इफ L2 इक्वल टू 1, हम लोग 1 मीटर के लिए निकालेंगे, तो F1 कितना होगा, I2 into B1, मतलब इसमें डाल दो I2 मल्टीप्लाई कर दो, तो म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय टी। ये कौन एक्सपीरियंस किया है, एल टू एक्सपीरियंस किया है। सिमिलरली हम लोग प्रूव कर सकते हैं एफ टू बी, वही आएगा म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय टी, हम लोग एफ टू भी प्रूव कर सकते हैं, बी वन के बदले बी टू डाल देना, आई वन के बदले आई टू डाल देना हो जाएगा, और एफ वन के बदले एफ टू डाल देना। तो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब यह होता है, दो पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर में जब भी हम आई वन और आई टू करंट फ्लो करते हैं तो उन लोग के बीच में फोर्स कितना होता है, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई वन आई टू बाय स्मॉल डी। अब यहाँ से इस फॉर्मूला से हम लोग को वन एम्पियर क्या है, वो वन एम्पियर निकालना है, वन एम्पियर क्या है उसको डिफाइन करना है। तो वो पूछेगा कि डिफाइन
वन एम्पियर डिफाइन करो। क्या देखो, तुम लोग जानते हो एफ इक्वल टू कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई टू I1 I2 बाय स्मॉल डी। अब देखो I1 इक्वल टू 1 एम्पियर, I2 इक्वल टू 1 एम्पियर, देन फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू म्यू नॉट के बदले कितना, म्यू नॉट बाय 4 पाई का वैल्यू कितना है 10 to the power -7, I1 I2 डी भी 1 मीटर ले लो, तो ये 10 to the power, ये पूरा 1 आ गया, ये 2 बच गया, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। तो अगर दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो करेंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 1 मीटर होगा, तब ये 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बोल रहे हैं अगर दोनों में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा और दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर है, तो उन लोग के बीच में फोर्स कितना रहेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। मतलब अगर 1 एम्पियर करंट रखेंगे तब 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स होगा, अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स हुआ तो उन लोग के बीच में करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर। उल्टा अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो होता है तो 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होता है, अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा। तो देखो 1 एम्पियर करंट इज दैट अमाउंट ऑफ करंट is that amount of current, 1 ampere current is that amount of current when flowing through unit parallel conductor, unit parallel current carrying conductor separated by a distance 1 meter experiences a force of 2 × 10⁻⁷ न्यूटन। अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स है तो उन लोग के बीच में कितना फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ना उन लोग के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होता है। अगर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होता है तो वो कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, अगर 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो उन लोग के बीच में 2 × 10⁻⁷ न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होता है। लॉर्ड जगन्नाथ अकेडमी हैप्पी टू हेल्प यू। फॉर मोर क्वेरीज कॉन्टैक्ट अस।